साल से बना रही हूँ। ये पाकिस्तान का पहला बेड़ा जिसमें 72 शहदा का पूरा एक वाकिया करबला इसमें दिखाया गया। इसमें बिस्तर मौला अली से तो खैमा बीबी फातिमा के खैमे तक पूरा जो करबला का जो भी वाकिया है इसमें सारा बयान किया गया है। जैसे आप देखेंगे कि इसमें खैमा बीबी का खैमा दिया हुआ है और ना इसमें दरिया फरात का भी बताया गया है कि दरिया फरात तक का फासला कितना था और सारा जो सिनेरियो था वो इसमें दिया हुआ है, उन्होंने बताया हुआ है इस पूरी डिटेल से। ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर का ये शबी बनी का एक जो सिनेरियो है वहाँ से लिया गया है जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम थे। तो ये एक कश्ती नुमा बेड़े की शक्ल दी हुई है इसे और इसमें 72 शुहदा, 12 इमाम, 14 मासूमीन की टोटल ज्यारतें मौजूद हैं। और ये पाकिस्तान के सबसे पहला बेड़ा है जो ये तमाम ये हम लोग 100 साल से बना रहे हैं। तो इसके बनाने में तकरीबन मुख्तलिफ कॉस्ट लगती है। तो इसके जो डेकोरेशन की जो भी चीज़ें हैं ये हर साल चेंज की जाती हैं, दोबारा वही चीज़ें नहीं रखी जाती, वो रिप्लेस हो जाती हैं। क्योंकि एक दफ़ा हम जब वापस लेके आते हैं दफनाने के बाद ये सारी चीज़ें दोबारा उतर जाती हैं। जो चीज़ें ना ही चेंज होने वाली होती हैं वो सारी चीज़ें नहीं आती हैं, ये पुरानी चीज़ें बार बार इस्तेमाल नहीं की जाती इस बेड़े में। अच्छा, अब आप ये बेड़ा 18 ज़िलहज के बाद हम लोग इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। 20 से 22 दिन का जो गैप होता है इसे बनाने में पूरा लगता है। हम 9 मुहर्रम, आज 9 मुहर्रम है और आज के दिन तक ये, आज शाम तक ये फाइनल, अब ये फाइनल है इस टाइम तक 6 बजे तक। तो अब ये कुछ गैप के बाद, नमाज के बाद इसे निकालेंगे। इसका रूट जो मखसूस रूट है उसी रूट से ये होता हुआ इमाम बारगाह शेरशाह सूरज महल में वहाँ इसका क़याम है, उसी तरफ वहीं जा कर रुकेगा। खैमा गाह बनाया गया है, खैमा गाह से पूरी डिटेल ली गई है, जहाँ से हमारे नन्हे शहजादे शहजादे अली असगर को जहाँ से नेजा मारा गया था और वहाँ से मारा गया था उसका जगह भी बताई गई है। और उसके बाद दरियाए फरात भी इसमें दिखाया गया। इसी तरह से तमाम ज्यारतों की डिटेल जो है वो सारी इसमें दी गई है। 12 इमाम, 14 मासूमीन, 55 पाक की सारी ज्यारतें इसमें मौजूद है। ठीक ठीक है।